कैसे हैं आप सभी। मैं हूं इस वक्त जिद्दा सुपर डोम पर और यहां पर है जिद्दा इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, जिसे कहते हैं मॉरिस किताब दौली। ठीक है, तो मैं अंदर चलता हूं, दिखाता हूं आप, क्योंकि आज 16 तारीख कल 17 तारीख को ये इसका आखिरी डेट है। इधर से पूरा ब्लॉक किया हुआ, ठीक है, हमें जाना पड़ेगा होम के ये साइड से, राइट साइड से, वहाँ से सिर्फ रास्ता है। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कितना रश है, देखिए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक वेक के बाद मैं अंदर पहुँच चुका हूँ और सिक्योरिटी अच्छे से चेक करते हैं कि क्या चीज़ अंदर लेके जा रहे हो, जैसे एयरपोर्ट पे चेक करते हैं। स्कैनर लगा हुआ है और गेट से इससे मैं एंटर कर रहा हूँ। करते ही ये जो लुक आपको दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ सामने। पीछे मेरे देख रहे हैं जरीर बुक स्टोरी से, तो आप लोग जानते होंगे जो जिद्दा और सऊदी अरबिया में रहते हैं, ये तो बहुत ही फेमस है। इसे देखिए, है ना कमाल का। किताबें यहाँ पे जितनी हैं सब अरबी हैं। अगर इंडियन और पाकिस्तानी बुक यहाँ पे दिखी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है, वो स्टार आपको। किताबें यहाँ पे बहुत हैं मगर मेरे काम की अभी तक तो नहीं मिली, ना इंडियन मिली ना पाकिस्तानी मिली, यानी हिंदी उर्दू इंग्लिश की भी बुक है पर अपने काम की तो अभी तक कोई नहीं। चलिए इधर से निकलता हूँ मैं। मैंने बहुत तलाश किया पर कोई मुझे दिखी नहीं उर्दू या हिंदी में बुक। बहरहाल जो था मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, चलिए अब निकलते हैं आउटसाइड में। आउटसाइड में मैं दिखाता हूँ और थोड़ा सा। ये साइड ना अच्छी लग रही है, आउट साइड में बनाया हुआ, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है फुटबॉल देखने के लिए और साइड साइड में सब यानी स्नैक और कॉफ़ी की छोटी छोटी शॉप है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और इधर मौसम ठंडा हो, बैठ के देखने का फुटबॉल अपना एक अलग ही मज़ा है। देख रहे हैं नाइट में कैसा लगता है सुपर डोम बाहर से, एकदम नीली लाइट में। ये है वीआईपी गेट, अच्छा लग रहा है ना। चलिए मैं भी बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। मुझे मालूम है कि इसमें हम लोगों के लिए कुछ ख़ास तो था नहीं, पर यहाँ पे मुझे देखना था कि कैसा चल रहा है, बस इसीलिए आपको दिखाया मैं आया था, सोचा आपको दिखा दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।